आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भूमिका। और आइए नजर डालते हैं हमारी टॉप 10 खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 177 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इसके अलावा बीजेपी ने तेलंगाना के लिए 28 और मिजोरम के लिए 24 उम्मीदवारों की घोषणा की है। मीडू कैंपेन के तहत 20 से ज्यादा महिलाओं की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद अब बीजेपी सांसद एमजे अकबर पर एक महिला पत्रकार ने रेप का आरोप लगाया है। अमेरिका में रहने वाली पत्रकार पल्लवी गोगोई ने काम करने के दौरान अपने साथ रेप की घटना का जिक्र किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकारिणी की बैठक का शुक्रवार को आखिरी दिन है। बैठक मुंबई के पास बायंदर के केशव श्रुति में शुरू हुई। इस बैठक में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने दुख जताया है। आपराधिक मामलों में दोषी करार दिए जा चुके नेताओं के लिए चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती अपनाई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे इन मामलों पर जल्द से जल्द सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने इन मामले को काफी गंभीर बताया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। टिकट बंटवारे पर पिछले काफी दिनों से मंथन चल रहा है। यहां तक कि गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भिड़ने की भी खबर थी। इसी बीच अब कांग्रेस आज पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को आज 4 न्यायाधीश मिल जाएंगे। जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, एम आर शाह और अजय रस्तोगी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। इन 4 जजों को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई शपथ दिलाएंगे। कांग्रेस ने सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना को एक और जुमला बताया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि इन खातों का इस्तेमाल नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद करने के लिए किया गया था। कांग्रेस ने मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस ने राज्य में सत्ता में वापस आने पर कक्षा 10वीं पास करने वालों और इसके ऊंचे दर्जे के छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का वादा किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला ने संसद का निलंबन हटा दिया है और देश में चल रहे मौजूदा राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए सोमवार को संसद की बैठक बुलाई है। हमारी टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए 7 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।